बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खरीत का मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो बाकी आप लोगों के साथ गपशप है, दिन स्टार्ट है, अभी मुझे कुछ होगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर किया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खरीत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खरीत से हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि दिन स्टार्ट हुआ है और दिन भी बस स्टार्ट हुआ है, तो आपको जैसे मालूम है कि हर चीज़ बंद है। अब बार बार मैं कहता हूँ हर चीज़ कोरोना की वजह से बंद है, तो उसकी वजह से मैंने थोड़ी बहुत घर में ही एक्सरसाइज वगैरह शुरू की है। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो लगा रहे, कुछ ना कुछ करता रहे बंदा तो बेहतर है। तो बाकी इंशाल्लाह दिन स्टार्ट है और दिन आपके सामने, आप बाहर के भी नज़ारे देख रहे हैं, तो बाहर भी जो जो कुछ है, जो कुछ दिखा सका मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो बाकी आप लोगों के साथ गपशप है, तो इंशाल्लाह गपशप होती रहेगी, तो इसी तरह ही ब्लॉग को इंजॉय करें आप लोग भी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो दिन स्टार्ट है, अभी जो जो कुछ होगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। Thank you.
बस घर में आके तो आज ये वाइफ बड़े मज़ेदार ये नान बना रही है घर में, होममेड सेसमी सीड वाले और ब्लैक सीड जो हैं ये इनको मिक्स करके नान बन रहे हैं। तो साथ इनके आज बड़ी ज़बरदस्त वाइफ ने हलीम बनाई हुई है और जो मेरी फेवरेट है। तो अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मेरे मुंह में फिर पानी आ गया है क्योंकि इतनी मज़ेदार है, क्योंकि मैं ये लाइक करता हूँ इसको, हलीम और नान वगैरह। ये तो ये देखें आप, ये इसका घर में बन रहे हैं होममेड नान, तो बड़े ज़बरदस्त नान हैं, बड़े फ्लफी से और बड़े सॉफ्ट होते हैं, बाहर वालों से बहुत ज़्यादा बेहतर। जी अभी बस खाना रेडी होकर टेबल पर आ गया अभी। तो ये देखें नानों की लुक ज़बरदस्त, और साथ ये देखें हलीम, क्या बात है, क्या ज़बरदस्त बनी हुई थी हलीम, और बड़ा मज़ा आया खाने में, तो बहुत इन्जॉय किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी बस अभी खाना वगैरह फिनिश करके तो बैठा हुआ था, तो अभी खाना वगैरह खा के फिनिश्ड हो गया, तो मैंने कहा आज आप लोगों के साथ थोड़ी गपशप पहले भी लगाई है तो अभी भी थोड़ी गपशप कर लूं, क्योंकि व्लॉग में आज आपने बाहर भी देखा है थोड़ा बहुत, और हालात यहाँ पे रोज़ बरोज़ ख़राब होते जा रहे हैं, वर्स होते जा रहे हैं, क्योंकि मुझे शक पड़ता है, मुझे मुझे पता नहीं है, मगर आज वो बोरिस जॉनसन ने 8 o'clock करनी है स्पीच, मगर मुझे शक पड़ता है कि दोबारा से लॉकडाउन करेंगे, क्योंकि इनसे चीज़ें हैंडल नहीं हो रही और जिसकी वजह से हालात ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो चले इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो आज का व्लॉग और आज पे यहाँ पे आपसे इसी चीज़ पे इजाज़त लेता हूँ, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, हंसते रहो वसते रहो, तो फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही, दुआ में याद रखिएगा, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें।